महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि पंडित रामकृष्णा आज भी दरबार में विलंब से आएंगे। आप तो कोई कार्यवाही करते नहीं है। कुछ कहा आपने गुरुवर? महाराज, हम ये कह रहे थे कि विलंब से आना पंडित रामकृष्णा का स्वभाव बन गया है। अब क्षमा कीजिए महाराज, हम भूल गए थे, बाबा मूर्ति आनंदू आपसे भेंट करना चाहते हैं। अनुमति है। धन्यवाद महाराज। बम बम बोले, बम बम बोले। प्रणाम महाराज। प्रणाम। आपकी आज्ञा से भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है। महाराज, हमारी आपसे विनती है, आप कृपया अपने शुभ हाथों से मंदिर भूमि पर निर्माण की प्रथम ईंट स्थापित करके हमें कृतार्थ करें। अवश्य। प्रणाम महाराज। स्वभाव नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा, अर्थात किसी व्यक्ति को कितनी भी सलाह दे दो, वो अपना मूल स्वभाव नहीं बदलता। ऐसी ही प्रवृत्ति है हमारे पंडित रामकृष्णा जी की। इनसे कितनी भी विनती करो, कितनी भी चेतावनियां दे दो, दरबार विलंब से आना नहीं छोड़ते। पंडित रामकृष्णा, क्या हम जान सकते हैं कि आज आप रात दरबार में विलंब से क्यों आए हैं? क्षमा करें महाराज, किसी अति आवश्यक कार्य में व्यस्त था। महाराज, आपसे एक अनुरोध है। महाराज, जिस भूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, वो भूमि किसान श्रीकांत की है। किसान श्रीकांत विजयनगर के जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए स्वयं उस भूमि पर एक छोटा मंदिर निर्माण करने को तैयार है। उसकी इच्छा है कि बाकी की बची भूमि उसे लौटा दी जाए। असंभव, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। किंतु गुरुवर, उस भूमि पर किसान श्रीकांत का अधिकार है और उसकी इच्छा के विरुद्ध उस भूमि पर मंदिर निर्माण करना उचित नहीं होगा। पंडित रामकृष्णा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, ये समस्त संसार ईश्वर का है, तो भूमि श्रीकांत की कैसे हो गई? सोच, जिस भूमि से ईश्वर प्रकट हुए हैं उस भूमि पर मंदिर निर्माण नहीं होगा तो फिर कहां होगा? परंतु गुरुवर, ये मंदिर विजयनगर के वैभव, गौरव, समृद्धि का प्रतीक होगा। इसी कारण से ये मंदिर उसी स्थान पर अवश्य बनना चाहिए। महाराज, उचित कथन है आपका गुरुवर, स्वयं भूईश्वर ने दर्शन दिए, संकेत दिया है कि वहां पर एक मंदिर की स्थापना हो तो मंदिर अवश्य बनेगा, हमारी अनुमति है। हम अनुमति देते हैं कि मंदिर की स्थापना हो और श्रीकांत महोदय को उतनी भूमि का टुकड़ा कहीं और दे दिया जाए। बाबा मूर्ति आनंदू, हम कल स्वयं आएंगे, पहली ईंट रखकर मंदिर के निर्माण का शुभारंभ करेंगे। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। हे माँ, मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा, तुम ही कोई उपाय बताओ। ये शारदा की समस्या का क्या करूं? यदि आज भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आज भी मुझे आंगन में ही सोना पड़ेगा। पर तुम्हें तो पता है ना, आंगन में मुझे निद्रा नहीं आती। सहायता करो ना माँ। तुझे ज्ञात भी है पंडित रामकृष्णा कौन है? इनकी सूझबूझ और ज्ञान की प्रशंसा पूरा विजयनगर करता है। इन्हें वेद पुराण और उपनिषद का ज्ञान है। वेद पुराण माँ,
कुछ कुछ तो मुझे भी स्मरण है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब आदि शक्ति और शिव ने प्रकट होकर सर्वप्रथम देवी देवताओं और ग्रह नक्षत्र का निर्माण किया था, किंतु वो समय क्या था? दिवस था या रात्रि थी, दिवस था या रात्रि थी, मिल गया। पूर्व में केवल अंधकार था, फिर ओम ध्वनि के प्रकाश में आदि शक्ति और शिव प्रकट हुए और उन्होंने सभी देवी देवताओं, ग्रह नक्षत्र, सूर्य आदि ग्रहों का निर्माण किया। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, उत्तर मिल गया। मैं निपट मूर्ख, मुझे तो ये ज्ञात था माँ, मैं भूल कैसे गया? पुराण में इसका उत्तर पहले से ही लिखा हुआ है कि उस समय घना अंधकार था, अर्थात जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय रात्रि थी। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक है, पर इसका ये अर्थ नहीं कि हमने आपको क्षमा कर दिया। अम्मा कृपया मत कीजिए, आपको देखने लगता है तो भोजन ग्रहण नहीं करता। सुनिए, चने भिगो दीजिए, हम रात्रि को चने की सब्जी बनाएंगे। हरदाम मैं बंधु। रामा तू चुप कर, सो जा। हाँ, मैं अभी लामा तू रहने दे, चलता चने मैं भिगो देता हूँ। अब भास्कर को संभालिए, हम रसोई में कार्य करके आते हैं। शारदा मैंने चने भिगो दिए, उचित है। बाबा गुंडप्पे, विश्वास नहीं होता, इतना जटिल कार्य तूने कुछ ही क्षणों में कर दिया। अम्मा देखो ना, प्लाते ही उत्तेजित कर लाए। गुंडप्पा तूने चने का पात्र ऊपर तक भर दिया था। हाँ, तूने चने भिगोने के लिए कहा था ना। गुंडप्पा जल के कारण चने फूल जाते हैं, तूने चने का पात्र ऊपर तक भर दिया था जिसके कारण चने फूल के पात्र से नीचे गिर जाते। मुझे क्या पता था कि चने फूलते, तूने जैसे कहा मैंने वैसे तल दिया। कोई बात नहीं गुंडप्पा, कोई बात नहीं। मैं महर्षि विद्याधर जी से कहूंगा कि शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ छात्रों को पाक कला की शिक्षा भी प्रदान करे, ताकि छात्रों का भविष्य और गृहस्थ जीवन सरल हो सके। सर प्रथम तो पाक कला की शिक्षा आपको प्रदान करनी चाहिए, आपको। हाँ हाँ, जल से चने फूल जाते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण जानकारी और क्या हो सकती है। आज मैं दरबार में सबको यही जान अरे पंडित रामाकृष्ण ध्यान में बैठे हैं। आइए देखिए, ये देखिए, यहाँ बैठे हैं। आशीर्वाद। अरे अरे, पैर पड़ रहे हो या धोती पकड़ रहे हो, छोड़ो हमें, आशीर्वाद है। मिल गया, चलो चलो चलो। रामाकृष्ण, पंडित रामा कृष्णा,
पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण। आचार्य, मुझे लगता है पंडित रामकृष्ण जी गहरी तपस्या में चले गए। जब सूर्य देवता अपनी उष्णता से विचलित करेंगे तो तपस्या स्वयं भंग हो जाएगी। तपस्वी बना फिरता है। चलो। अम्मा, 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 वो तपस्या में बैठ गए। कहाँ? दरबार के बाहर। किसी के कहने पर नहीं उठे। आप जल्दी चलिए, चलिए। पंडित रामकृष्ण तो वैरागी हो गए हैं। अरे, ऐसे कैसे वैरागी हो गए? इनका एक पूरा परिवार है, हम हैं, अम्मा है, एक छोटा बालक है। अम्मा, देखिए नहीं क्या कह रहे हैं। सिर्फ डंडे का भी भय नहीं है। अब क्या करें? हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको अपनी कक्ष से कभी बाहर नहीं निकालेंगे। ये देखिए महाराज। महाराज, महाराज, आप इन्हें तत्काल ही तपस्या भंग करने का आदेश दीजिए। आप चिंतित मत होइए महाराज, ये पंडित रामकृष्ण का कोई नया प्रपंच है। गुरुवार, हमें ऐसा लग रहा है महाराज। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? धरती के भीतर से मूर्ति प्रकट हो रही है। बाबा मूर्ति आनंदू, ये क्या चमत्कार है? ये हम क्या देख रहे हैं? कहीं हमें दृष्टि भ्रम तो नहीं हो रहा? महाराज, पंडित रामकृष्ण जी ध्यान से बाहर आ गए। कोतवाल महोदय, पंडित रामकृष्ण ने केवल भक्त रामा कही। महाराज, भक्त रामा का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। भक्त रामा की जय। भक्त रामा की जय। भक्त रामा की जय। भक्त रामा की जय। सुनिए देवी, कृपया मुझे भक्त रामा ही कहें। देखो ना। महाराज, मैंने कठिन तपस्या से ईश्वर को इस भूमि पर प्रकट कर दिया है। किसान श्रीकांत की भूमि राजमहल से कुछ दूरी पर थी। आपको असुविधा ना हो, इस कारण मैंने ईश्वर से प्रार्थना की और उन्हें इसी भूमि पर प्रकट होने का अनुरोध किया। और देखिए, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। प्रत्यक्ष प्रमाण आपके समक्ष है महाराज। अब आप इस भूमि पर भी एक भव्य मंदिर निर्माण करने की अनुमति दे। ये उचित रहेगा महाराज, लाभ ही लाभ है। अब हमारा कहने का तात्पर्य है कि विजयनगर तीर्थ स्थल हो जाएगा। पूरे देश से लोग यहाँ पर आएंगे और श्रद्धा भाव से स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाएंगे। अरे चुप रहो गधो। पंडित रामकृष्ण, दरबार में मिलिए आप हमें। जो आ गया महाराज। प्रभु, क्या कहा? उचित है, जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। हम तो रमता जोगी बहता पानी है। प्रभु की इच्छा है कि हमें शीघ्र यहां से कूच करना चाहिए।
हम चलते हैं। कोतवाल जी महाराज, हम इन्हें भी दरबार में देखना चाहते। जो आज्ञा महाराज, अभी लीजिए। बाबा बम बम, बाबा बम बम, आइए हमारी सहायता कीजिए। तथाचार्य हमारी सहायता कीजिए। करेंगे करेंगे, अवश्य सहायता करेंगे। आइए दरबार में आइए। महाराज, हमारे अंदर की ईश्वर की इच्छा है कि हमें तत्काल विजयनगर से कूच करना है। हमें आज्ञा दे महाराज। बाबा मूर्ति अनंदू, चले जाइएगा, किंतु जाने से पूर्व महाराज को चने के रहस्य से तो अवगत कराते जाइए। कैसा रहस्य? कैसी बातें करते हो पंडित रामकृष्ण? पंडित रामकृष्ण नहीं, क्या कोतवाल महोदय? भक्त रामकृष्ण। यदि बाबा मूर्ति आनंदू संकोच कर रहे तो आप ही बता दीजिए। हम अत्यंत व्याकुल है चने के रहस्य के बारे में जानने के लिए। अवश्य महाराज, और बाबा मूर्ति आनंदू संकोच कर रहे हैं तो क्या हुआ, बाबा के अंदर विद्यमान ईश्वर से ही पूछ लेते हैं। कोतवाल महोदय जी, पंडित जी, कृपया अपनी तलवार दें। अवश्य। क्षमा करना बाबा मूर्ति आनंदू, आपके भीतर के ईश्वर को बाहर निकालना पड़ेगा। बता दो। बता रहे हैं महाराज। महाराज, मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं, मैं ढोंगी बाबा हूँ महाराज। मूर्ति का जमीन के बाहर आना कोई चमत्कार नहीं, अभी तो एक युक्ति थी महाराज। मैं धरती के भीतर मूर्ति के साथ साथ सूखे चने भी डालता था। चने धरती में उपस्थित नमी के कारण फूल जाते थे और परिणाम स्वरूप मूर्ति धरती से बाहर आ जाती थी और लोग उसे चमत्कार समझते थे। और मैं सारा चढ़ावा एकत्र करके वहां से चंपत हो जाता था। इस बार भी मैं विजयनगर में यही करने वाला था, मगर गुरुवर ने लेके जाओ इसे। महाराज जी आचार्य। महाराज, हम तो तभी समझ गए थे जब बाहर इसने भागने का प्रयास किया था। इसने ना केवल हमारी अपितु समस्त विजयनगर की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। हाँ? ऐसे व्यक्तियों को देखकर हमें ग्लानि होती है महाराज। ऐसे व्यक्तियों के कारण हमारे 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 सीने में पीड़ा होने लगती। कहीं हमें हृदयघात ना हो जाए महाराज। लेके जाओ इसे, लेके जाओ। पंडित जी मेरी तलवार। बाबा बम बम, महाराज मेरी सहायता। आओ बम बम। अद्भुत भक्त रामकृष्ण, अत्यंत ही उत्तम युक्ति लगाई थी बाबा ने, परंतु हम व्याकुल है जानने के लिए कि ये युक्ति ठीक है, उसके पीछे का रहस्य क्या है। बताइए इस युक्ति के विषय में आपको कैसे ज्ञात हुआ? भक्त रामा नहीं महाराज, मैं तो पंडित रामकृष्ण ही ठीक हूँ, और ये युक्ति शारदा देवी से मिली। देवी? ये क्या देवी देवी लगा रखा है? शारदा से मिली महाराज। गुंडप्पा, जल के कारण चने फूल जाते हैं। तूने चने का पात्र ऊपर तक भर दिया था, जिसके कारण चने फूल के पात्र से नीचे गिर जाते। उसके पश्चात मैं किसान श्रीकांत की भूमि पर जांच करने गया। और स्वयंभू ईश्वर की मूर्ति के पास मुझे आर्द्रता अर्थात नमी के कारण फूले हुए चने मिले, अर्थात मेरी शंका सही थी। अद्भुत पंडित रामकृष्णा,